नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईपीएल के मौजूदा सीजन का तीसरा मैच सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। यकीनन अपने घरेलू मैदान पर होने वाले इस मैच को जीतकर सनराइजर टीम प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाना चाहेगी। इस वक्त वह पॉइंट टेबल में 6 मैचों में 3 जीत के साथ छठे नंबर पर है, तो दिल्ली 7 मैचों में 4 जीत के साथ चौथे पायदान पर काबिज है। दोनों टीमों के बीच अब तक 13 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान हैदराबाद ने 9 तो दिल्ली ने 4 बार बाजी मारी है, जबकि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल यहाँ खेले गए 4 मैचों में दिल्ली सिर्फ एक बार जीत हासिल कर सकी है। बात करें दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी की, तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर, जॉनी बैरस्टो, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान आदि का खेल देखने लायक होगा, जबकि दिल्ली के लिए शिखर धवन, पृथ्वी शाह, ऋषभ पंत, कैगिसो रबाडा आदि बाजी जीतने का दम रखते हैं। दोनों टीमों के बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की टीम में भुवनेश्वर कुमार, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल, मनीष पांडे, रिद्धिमान साहा, जॉनी बैरस्टो, शाकिब अल हसन, विजय शंकर, यूसुफ पठान, दीपक हुड्डा, मोहम्मद नबी, राशिद खान, शहबाज नदीम, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल शामिल हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में श्रेयस अय्यर, कॉलिन मुंडो, शिखर धवन, पृथ्वी शाह, मंजोत काला, हनुमा विहारी, कॉलिन इंग्राम, ऋषभ पंत, क्रिश मोरेश, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, राहुल तेवटिया, संदीप लामिछानी, हर्ष पटेल, कॉगिसो रबाडा, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, ईशान शर्मा, कीमो पॉल और नाथो सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए तो दिल्ली का पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है, लेकिन देखते हैं सनराइजर हैदराबाद पॉइंट टेबल पर ऊपर आ पाती है या नहीं। आपको अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।